सत्ता में हमको अलग थलग किया गया, सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं रही पिछले शासनों के खिलाफ, तो इसके साथ हमारे साथ अन्याय होता रहा। आज जम्मू कश्मीर में अभी धारा 370 हटी है तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो दी है शेड्यूल ट्राइब्स को वो मिली है। तो पॉलिटिक्स में आने के बाद गुजर कम्युनिटी, अगर जहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बैठेंगे, डिसीजन लिए जाएंगे, वहाँ गुजर का रिप्रेजेंटेशन होगा तो अपने अधिकार की बात वो कर सकते हैं। सही है। आज से पहले ये हमें राइट ही नहीं दिया था, यूज़ करते रहे हमें जी आई एम सॉरी, इसको तुम पॉलिटिकल मत मान के चलना कि फारूक साहब ने कहा कि हमारे खानदान में मेरी माँ गुजरी थी, तो पूरे इसी भावनाओं में बह के इमोशनल कौम है, हमेशा उनकी नौकरी चाकरी में लगे रहे, उनकी तवज्जो करते रहे, उनको फॉलो करते रहे, उन्होंने इनके बारे में क्या सोचा जी। सही है। और अब बेटी सचिन जी के लिए चली गई, तो एक जाति देने के बाद अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन बेटी देने के बाद बाकी जो यहाँ पर 15-17 लाख गुजर कम्युनिटी के लोग रहते हैं जी इनके भी तो उत्थान के बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, कौन अपने रिश्तेदार के बारे में नहीं करता। जम्मू कश्मीर से तो ले गया गुजरात तक जड़ी या गुजर कबीला का लोग रहने लगा, इन्ना एक 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 नेतृत्व देने वास्ते, एक लीडरशिप देने वास्ते कुछ किए जाना चाहिए, तो हम के समझें कि मतलब राजस्थान को गुजर, जम्मू कश्मीर को गुजर, दिल्ली को गुजर, सारा को गुजरो ना, क्योंकि सारा को मसला एक जैसा है कि एक कबीलो थो जिसमें कुछ जाना शेड्यूल ट्राइब दितोगे, कुछ जाना नहीं दितोगे। नहीं, लीडरशिप देने के लिए तो देखो अब लोगों में जागरूकता आ गई है जी। कोई ऐसा तो है नहीं कि 9 की 9 स्टेटों में कोई किसी को लीडर मान के उसके फॉलो करेगा जी। राजेश पायलट जी राजेश पायलट जी ने बड़ी चिंता की और लंबे समय तक राजेश पायलट जी को लोग फॉलो करते रहे थे, और जैसे राजेश पायलट जी कहते रहे उनके साथ ही अमूमन चलते रहे थे जी। जब वो स्टेट होम मिनिस्टर बने थे तब भी, पायलट जी के जाने के बाद हमारी कुछ गुर्जर कम्युनिटी के लोग भी इन लोगों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते तो रहे, लेकिन समय समय पर लोग सत्ता में भी रहे हैं, सत्ता में रहने के बाद इनकी चिंता, इनके बारे में बात करना, इनको इनका अधिकार मिले, इसकी चिंता नहीं की। इसका श्रेय भी इसलिए नहीं कि मोदी साहब हमारे नेता हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था सभी सांसदों को, केवल रमेश भिदुड़ी को नहीं, सभी सांसदों को कहा थे आप सांसद हैं तो केवल जिस पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे हैं उसके सांसद नहीं हो, अब आप पूरे देश के सांसद हो। पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं समस्या है और कहीं कुछ लोगों का शोषण किया जा रहा है, कहीं लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बात उठानी है, तो सभी सांसद उसको बात को उठा सकते हैं। तो मेरी लीडरशिप ऐसी रही भारतीय जनता पार्टी की, मुझे मौका मिल गया था कि मेरी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहती है उस कम्युनिटी के अंदर किस प्रकार का उनका शोषण होता है, एजुकेशन है नहीं उनके पास। तुमने के सवाल चुके हैं या के बोलियो उसके पार्लियामेंट में, जैसे एक तो फॉरेस्ट एक्ट इसमें बदलाव की आवश्यकता, 70 मोदी साहब ने पिछली बार 111 कानून के करीब बदले थे तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट एक्ट भी बदलना चाहिए था जी। जो लोग 200 सालों से घर बनाकर कच्चे मकान में गरीब लोग रह रहे हैं तो उनको मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परेशान ना करे, ग्राम पंचायत की जमीन है उतनी फॉरेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दो। जैसे दिल्ली के अंदर डियरा में एक दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है, तो यहाँ भी कोई बोर्ड होगा स्टेट का बोर्ड उसको अप्रूवल दे, और जो कश्मीर में जम्मू के हैं कि जो गुज्जर कम्युनिटी के बकरवाल कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं तो उनको कम से कम उतने 10 मरले 20 मरले जो रिहायशी लैंड है वो उनको लैंड मिलनी चाहिए, और जो पुश्तैनी लैंड है उसको उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि तम जम्मू कश्मीर में आया तम अपना कबीला का लोग ना मिले के लगो तमना कि दिल्ली का गुजर था जम्मू का गुजर जम्मू कश्मीर का गुजरा में कोई फ़र्क है? नहीं, फ़र्क कोई ऐसा है नहीं, रहन सहन खाना पीना सेम है, बस एक है कि पहाड़ में रह के लोग ज़्यादातर मुझे लगता है मांसाहारी हो जाते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर जो रहते हैं, चाहे राजस्थान में रहते हैं, चाहे हरियाणा में रहते हैं, चाहे दिल्ली में रहते हैं, हम 99% शाकाहारी लोग हैं।